इंदौर में हर मंगलवार को होने वाली डीएवीवी की जन सुनवाई में आज भी छात्रों के रिजल्ट को लेकर समस्या सामने आई है। जन सुनवाई के दौरान मेडिकल व निजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी परीक्षा से जुड़ी समस्याओं को एग्जाम कंट्रोलर के सामने रखा है। छात्रों का कहना है कि 2 साल से उनके रिव्यू के रिजल्ट में कुछ बदलाव नहीं हुआ, जिसके चलते आज उन्होंने फिर से समस्या को जन सुनवाई में रखा है। वहीं एग्जाम कंट्रोलर आशीष तिवारी का कहना है कि छात्रों की समस्या का जल्दी निराकरण होगा। आज समाधान शिविर में अभी तक 11 केसेस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। उसमें मेनली कुछ स्टूडेंट्स 5th सेमेस्टर BSc वाले थे, उनका जो पेपर है वो छूट गया था। IPS एकेडमी के स्टूडेंट्स आए थे, पर कभी पेपर छूट जाता है तो उनका डिमांड थी कि हम दोबारा एग्जामिनेशन करवाएं, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने उनको मना करा है कि ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं है, और अब जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगी दिसंबर में होगी, उसमें वो अपीयर हो सकते हैं। खरगोन से BCom 4th सेमेस्टर के कुछ छात्र छात्राएँ आए थे और उनका रिजल्ट से वो असंतुष्ट थे, तो पर जो हमने रिजल्ट डिक्लेयर करा है वो काफ़ी संतोषजनक रिजल्ट डिक्लेयर करा है। और जो भी छात्रों को बोला गया है कि वो अपना रिव्यू का फॉर्म भरें, और रिव्यू का फॉर्म भर के जो भी उनको ऑब्जेक्शन हो लिख के आएँ, और जो रिव्यू का प्रोसेस होगा उसके बाद उनका जो रिव्यू का रिजल्ट आएगा उसमें फिर वो अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। कुछ नर्सिंग के छात्र छात्राएं आए थे जो कि अपना एग्जामिनेशन करवाने वाले हैं, करवाने का रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर जितने भी मेडिकल की एग्जामिनेशन हैं सभी जबलपुर यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो चुकी हैं। तो हमने उनको ये बोला है कि अपने जो प्रिंसिपल्स हैं वहाँ पे जाके जबलपुर में कांटेक्ट करें, और आगे की एग्जामिनेशंस होंगी वो सब जबलपुर में ही होंगी इसके अंदर। तो ये मुख्यतः इसमें मामले थे, बाकी कुछ कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के मामले थे वो हमने सॉल्व कर दिए होंगे।